मेहनत करो, एक एक पैसा इकट्ठा करो, स्पेंड करो ना, तो ऐसा धक 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 होती है। आई पर्सनली लव द होल फिनिश ऑफ दिस बॉक्स करते हैं, वेरी एक्साइटेड। हेलो एवरीवन, माय नेम इज कशिका, वेलकम बैक टू माय चैनल। समझ गई होगी, रैंडम ब्लॉग होने वाला है। संडे की सुबह है, मैं मस्त चाय पी के आराम से बैठी हुई थी, बॉडी मेरी दर्द कर रही है बिकॉज नया नया मैंने जिम शुरू किया है। एंड आई जस्ट रिसीव माय ऑर्डर, अमेजोन का पार्सल आ गया है। मैं दो हफ्ते 1.5 वीक से वेट कर रही थी, मतलब ये स्टार्टिंग में डिस्पैच पे दिखा रहा था 1 वीक से, एंड आई वाज शिट स्केयर्ड बिकॉज अगर आपने मेरी मंथली फेवरेट वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। ये मेरा ड्रीम प्रोडक्ट है, मैंने बहुत टाइम से सोचा हुआ था कि मुझे ये लेना है बिकॉज मुझे अपग्रेड करना है अपना सेटअप। मुझे ऑब्वियसली ये चीज ऐसी है जहां से मैं अर्न कर रही हूँ, मुझे आपको बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करनी है इन टर्म्स ऑफ ऑडियो वीडियो एवरीथिंग। एंड ये जो प्रोडक्ट है ना, ये जो कैमरा है, मैं बता देती हूँ, ये बहुत टाइम से आउट ऑफ स्टॉक था, इनफैक्ट 1 साल से था ही नहीं। सोनी का वर्ल्ड वाइड लेवल पे ही आउट ऑफ स्टॉक चला गया था। लास्ट वीक जैसे ही अमेजोन पर आया, मैं जब वहां पे ईएमआई पे भी क्लिक कर रही थी ना, ईएमआई हो ही नहीं रहा था। मतलब आई डोंट नो, मेरे पास पैसे थे लेकिन मैं घट नहीं हो रहा था कि मैं फुल पे करके ले लूं, बट ईएमआई वर्क नहीं कर रहा था। आई वाज लाइक कशिका अब ले ले, खत्म कर और ले, और मैंने फुल पे करके ले लिया। सो मैं वीडियो भी बना लूंगी अनबॉक्सिंग की बिकॉज सेफ साइड के लिए बनानी पड़ती है, कुछ ऑनर रिसीव हो जाए थोड़ा सा डर लगता है। दिख रही हूँ मैं तो, दिखूंगी कैमरा दिखेगा, बट चलो अनबॉक्स करते हैं, वेरी एक्साइटेड। नेसेसिटी ओवर लग्जरी की लाइफ में सबसे पहले आपकी नेसेसिटीज पूरी होनी चाहिए, फिर आप कुछ लग्जरी लेना। मेरे लिए लग्जरी नहीं है बाय द वे, जो भी कहते हैं महंगा नहीं है वो, ये मेरी नेसेसिटी है, मेरा बिजनेस है। आई एम वर्किंग इन अ डोमेन जहाँ पे मुझे टाइम टू टाइम इन्वेस्ट भी करना पड़ता है। सॉरी आवाज आ रही हो, तो पहले उसको खोल लेती हूँ फिर बात करेंगे। हमारा काम ऐसा कि हमें टाइम टू टाइम ना इन्वेस्ट करना पड़ता है, अदरवाइज हमारी ऑडियंस भी कहती है कि नहीं वी आर नॉट लाइकिंग द क्वालिटी, या आपका खुद भी मन करता है कि मैं इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी अपग्रेड करूं अपने आप को। एक्चुअली मैंने इस नेसेसिटी के लिए अपनी बहुत लग्जरी रोक के रखी हुई थी कि नहीं कशिका फालतू का पैसा नहीं स्पेंड करना, सबसे पहले अपनी जो नीड है उसको पूरा करो। सो अभी आ चुका है, मैं दोबारा सेव करूंगी और फिर शायद जो मेरा थोड़ा सा अपने आपको पैम्पर करने का मन है कि थोड़ा बहुत छोटा सस्ता मोटा कुछ लग्जरी लूं, तो वो मैं तब लूंगी, बट ज्यादा महंगा ही लूंगी। मुझे अननेसेसरी फालतू का लग्जरी आइटम पसंद नहीं है। आई एम ऑलवेज अबाउट गैजेट्स, मैं अपने फ्रेंड्स को भी बोलती हूँ कभी कुछ देना ना, मुझे गैजेट देना प्लीज, मुझे टेक्नोलॉजी गैजेट्स का बहुत शौक है। मुझे अननेसेसरी डिजाइनर प्रोडक्ट्स ऐसा लगता है कि आप एक बार ले लेते हो और फिर वो यूज नहीं होते, आप कितनी बार पहन लो यार। मेहनत करो, एक एक पैसा इकट्ठा करो, स्पेंड करो ना, तो ऐसा धक 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 होती है। मतलब माँ बाप समझाते रहते हैं बचपन से पैसों को वैल्यू करो, बट जब तक आप खुद अर्न करके उसको स्पेंड नहीं करते ना, आपको नहीं पता चलता। And here is the beauty. मैंने विद लेंस लिया है, ये डिटैचेबल भी है बात है। इसकी कैमरे की सबसे बेस्ट बात ये, इसका लेंस रिमूव भी हो जाता है, तो मैं कल को मुझे और फोकस वाली वीडियो चाहिए होगी, एटलीस्ट मैं यहाँ पे इसका रिमूव करके, और मुझे बिल्कुल नहीं पता बिकॉज मैं इससे पहले कैनन G7X यूज करी थी, जो एक बेसिक ब्लॉगिंग कैमरा होता है, उसमें लेंस वाला सिस्टम तो होता नहीं, तो मुझे नहीं पता कि इसको निकालते कैसे हैं, बट आई डोंट नो। जय माता दी, जय माता दी, दिल में श्रद्धा होनी चाहिए बस, नथिंग एल्स मैटर, जय माता दी। ओके, अब इसमें क्या है, इसकी जो स्क्रीन है वो खुलती है ऐसे, मेरी कैनन की स्क्रीन खुलती थी ऊपर, और आप देखते हो जब मैं उसमें कुछ ना कुछ फोकस करती हूँ ऊपर की तरफ देखती थी, तो अब अगर मैं फिल्मिंग करूंगी तो मुझे साइडवेज देखना पड़ेगा बिकॉज इसकी जो फेस है वो साइड में खुलता है। 2000 years later. सो काफी सारी वीडियोस देखने के बाद मुझे समझ आया इसको चार्ज कैसे करना है, मुझे कैनन वाले की आदत थी, आई थॉट सेपरेट चार्जर आएगा, बट ऐसा नहीं है, पूरी बॉडी इसकी चार्ज होती है, मैंने चार्जिंग पे लगा दिया है, तब तक मैं स्विच ऑन नहीं कर सकती। आज मैं सोच रही हूँ, आज मैं जो माइक ग्लैम का शूट करने वाली हूँ इसी कैमरा से करूँ, थोड़ा सा पता भी चल जाएगा, मेकअप वीडियो की क्वालिटी भी अच्छी आएगी। सो लेट्स सी, an eternity later. एंड फाइनली आई शॉट माई फर्स्ट वीडियो, मैंने इसको अच्छे से चार्ज किया, पूरा रेडी हो गई, मैंने शूट किया है फर्स्ट इंप्रेशन माई ग्लैम प्रोडक्ट्स का, मैंने सारा एप्लीकेशन रिव्यू सब कर लिया, लुक एट दिस, इतने सारे देना, हाथ भर गया मेरा। आई थिंक इस ब्लॉग से जाने से पहले वो वीडियो लाइव हो जाएगी, सो डेफिनेटली आप देख सकते हो, मेरे चैनल पर जाके देखना। 6.5 hours later.
बैक टू माई रूम, टुक अ नाइस शावर. मैं आजकल शाम को नहाती हूँ बिकॉज एक्सरसाइज कर रहा है, पूरे दिन में ना स्वेटिंग हो जाती है, शूट भी करती हूँ ना, ऊपर बहुत गर्मी होती है, तो मैं शाम को नहाना प्रेफर करती हूँ. अभी मेरे बाल हल्के हल्के गीले हैं, इसको पीछे कर लेते हैं. मैंने डिनर भी कर लिया, इट्स टाइम टू स्लीप. लेकिन उससे पहले मैं नाइट टाइम स्किन केयर करने वाली हूँ. सो अभी क्या जो वेदर कंडीशन चल रहा है ना, बारिश है, इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी है, चिपचिपाहट इतनी होती है, मेरी तो वैसी ऑलरेडी इतनी ऑयली स्किन है, तो अगर मैं कुछ भी रात को ग्रीसी वाला मॉइस्चराइजर लगा लेती हूँ ना, मेरी अजीब सी स्किन सुबह बहुत ज्यादा ऑयली हो जाती है. बट मुझे कुछ नरिशिंग भी चाहिए बिकॉज मैं एक्ने ट्रीटमेंट्स भी यूज करती हूँ, लाइक सैल्सिलिक एसिड यूज कर लिया. आज मैंने डॉक्टर शहद का पील यूज किया, जिसकी मैंने लास्ट मंथ भी बात करी थी, बिगिनर पील है एक्स्ट्रा जेंटल वाला, बिकॉज मुझे बम्स कॉमेडॉन्स वगैरह सब हो जाते हैं, तो उसके लिए मैं यूज करती हूँ. सो आई वॉन्ट समथिंग जो लास्ट स्टेप में हो, जो सब कुछ एकदम नरिशमेंट हाइड्रेशन दे दे, मेरे स्किन बैरियर को भी रिपेयर करे, जो भी रेडनेस इन्फ्लेमेशन है, जो भी बेसिकली इश्यूज है ना, उन सबको कॉम्बैट कर दे. एंड फॉर दैट माई करंट फेवरेट हैज टू बी डॉक्टर शहद हल्दी एंड हाइलुरोनिक एसिड स्लीपिंग मास्क. दिस वीडियो इज इन कोलैबोरेशन विद डॉक्टर शहद, बट ट्रस्ट मी, इसकी मैंने मल्टीपल ट्यूब्स फिनिश कर दिया. मैंने लास्ट वीक की स्टोरी डाली थी हाई एंड बाय की, जो मैं इंस्टाग्राम स्टोरीज पर डालती रहती हूँ. लास्ट वीक मैंने थर्ड बॉटल ओपन करी है बिकॉज अभी का जो वेदर है ना, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ रही है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली लाइक द टेक्सचर, इसका एकदम जेल बेस्ड टेक्सचर है, जो मेरी ऑयली स्किन के लिए एकदम परफेक्ट है. इफ आई टॉक अबाउट इंग्रीडियंट्स इन दिस वन, सबसे पहले इसमें हाइलुरोनिक एसिड, जो हम सबको पता है कितना अच्छा मॉइस्चर बाइंडर इंग्रीडियंट होता है, जो प्लम्प करता है स्किन को, हाइड्रेशन देता है, मॉइस्चर को भी होल्ड करके रखता है, इससे हमारी स्किन पे एक प्लम्पिंग इफेक्ट आता है. फिर इसके अंदर 1% सेरामाइड भी है, जो स्ट्रेंथन करता है स्किन के बैरियर को. 2% कोलेन है, जो रिजुविनेट करता है स्किन को, प्लस वो एक्ने स्किन के लिए भी सेफ है. सो अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई हो गई ना एक्ने ट्रीटमेंट्स की वजह से, इसका कोलेन बहुत अच्छे से आपको हेल्प करेगा. इसके अंदर छोटी-छोटी ग्लोब्यूल्स हैं टर्मरिक ऑयल की, विच इज हल्दी. हम सबको पता है हल्दी कितनी अच्छी होती है एक्ने को, डार्क स्पॉट्स को फेड करने के लिए, इन्फ्लेमेशन को हटाने के लिए. सो ओवरऑल इसका जो टोटल इंग्रीडियंट्स है ना, वो एकदम परफेक्ट है. यू कैन सी कितने अच्छे स्किन में ब्लेंड हो जाता है. जो हल्दी की छोटी-छोटी ग्लोब्यूल्स हैं, उसको मैं पुश करती हूं स्किन में, तो अच्छे से वो बर्स्ट हो जाती है और फिर वो स्किन पे अच्छे से ब्लेंड भी हो जाती है. एंड ओवरऑल मेरी स्किन को एक ग्रीसी और ऑयली नहीं बनाता. सो आई पर्सनली लव द होल फिनिश ऑफ दिस. अगर आपको एक ऐसा प्रोडक्ट ढूंढ रहे हो जो आपकी ऑयली स्किन को भी सूट करे, एट द सेम टाइम आपके स्किन कंसर्न के साथ भी वर्क कर जाए, आई थिंक दिस इज समथिंग यू कैन गो फॉर. और डॉक्टर शहद तो हमें सबको पता है, इट्स अ डॉक्टर फॉर्मुलेटेड एंड टेस्टेड ब्रांड. दे हैव 90 years प्लस एक्सपीरियंस इन द इंडस्ट्री, सो कहीं ना कहीं सेफ है. और डॉक्टर शहद वैसे भी इंडियन स्किन के लिए बनी है स्पेसिफिकली, तो आप इजिली ले सकते हो, ये इंडियन स्किन को इजिली सूट करती है. दिस स्लीपिंग मास्क इज लिटरली द बेस्ट combination of modern science and traditional Ayurveda, because aapko Ayurvedic ingredients bhi milte hain with nice good quality other modern science ingredients as well. Ye aap grab kar sakte ho Dr. Shahid ki official website se, main niche link dal dungi. Plus aap mera code use kar sakte ho Kashika20 for extraordinary 20% off on their website. Inki website pe hamesha koi na koi deal, discounts bahut sare chalte rehte hain, to definitely aap wo explore kar sakte ho. Jo bhi details and links hain aapko niche description box mein mil jayenge, so please check kar lena. And now my स्किन केयर इज काइंड ऑफ डन, आई विल हिट द बेड एंड स्लीप. वैसे स्लीप तो नहीं, थोड़ा सा नेटफ्लिक्स एंड चिल होगा, उसके बाद मैं सोने वाली हूँ. सो सी यू टुमारो. द नेक्स्ट डे. फॉर ऑल दोज आस्किंग कि मैं क्या लेती हूँ पोस्ट वर्कआउट, सो घर आते ही मुझे विद इन 15 मिनट्स ही लेना होता है. ये प्रोटीन मैंने स्मिटन से मंगवाया था, इसका रैपर मेरी नीस ने पूरा फाड़ दिया, बट मैं यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट कर दूंगी कौन सा है. वीगन प्रोटीन है, सिंस आई एम वेजिटेरियन तो मैं कुछ नॉन वेज वाला नहीं ले सकती. सो ये वीगन प्रोटीन पाउडर है, ये आलमंड मिल गया सो गुड का, सो आई जस्ट मिक्स बोथ ऑफ देम एंड मेक माई प्रोटीन शेक.
morning. क्या कर रही हूँ मैं आज, बाय द वे है वेनसडे की शाम हो चुकी है। आई एम अ वेरी बैड ब्लॉगर, मुझे ब्लॉगिंग करनी नहीं आती। मैं जब निकली मैं ब्लॉग करने भूल गई। आज मैंने डांस फिटनेस की क्लास करी है बुक, तो अब मैं आपको थोड़ा सा उसकी ग्लिम्स भी दिखाऊंगी। सोनिया टू आवर्स लेटर एंड आई एम बैक होम। पूरी गीली हो चुकी हूँ मैं लिटरली। मशीन पे वर्कआउट कर लो, वेट्स उठा लो, कार्डियो कर लो, लेकिन ये जो फ्यूजन फिटनेस की क्लास होती है ना कल्ट की, मतलब ऐसा हो जाता है पूरा गीला गीला। मैं अच्छे से शावर लूंगी एंड आई एम एंडिंग द व्लॉग हियर। आई थिंक ये व्लॉग मैंने संडे की सुबह शुरू किया था जब कैमरा आया था, और अब वेनसडे की रात हो रही है, तो लिटरली काइंड ऑफ वीक इन माई लाइफ हो गया। अगर आपको ऐसे व्लॉग्स पसंद है तो प्लीज बताना, आई विल मेक मोर, बिकॉज आई थिंक एक दिन में ना इतना कुछ एक्साइटिंग करने को नहीं होता, स्टिल तीन चार दिन में कुछ ना कुछ हो जाता है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। जो भी प्रोडक्ट्स की मैंने बातें करी है इस वीडियो में, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो प्लीज चेक करना डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ऑल्सो जो भी जिम एसेंशियल एंड ऑल है उसकी वीडियो सेपरेटली आने वाली है, तो प्लीज वेट करना। मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें जिम के वर्कआउट के क्लोथ्स बैग्स हर चीज बेसिकली बताऊंगी, बिकॉज उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनती है। एंड या दैट इज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक इट, गिव इट अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड क्या बोला था मैंने, कॉमेंट करके बताना है कि ऐसे व्लॉग्स चाहिए नहीं चाहिए, मजा आ रहा है नहीं आ रहा, बिकॉज आजकल लोगों को व्लॉग्स देखने में मजा आ रहा है। सो मुझे लगा मैं भी जरा कोशिश करती हूँ अपनी काइंड ऑफ बोरिंग लाइफ। अब तो ऐसे बोरिंग नहीं रही, जिम जा रही हूँ, थोड़ा एक्साइटिंग हो रहा है। बट या अगर आपको सेपरेट एक वीडियो चाहिए ना जिसमें सारा वर्कआउट का बताऊं, तो वो ही बताना। आई विल ट्राई टू मेक, ऑल्दो मैं इतनी कोई प्रोफेशनल ट्रेनर नहीं हूं, बट आई विल ट्राई। सो दैट इज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।